आज मैं आपको बताने वाली हूँ बरसात के सीजन में 5 ऐसे फर्टिलाइजर जो आपको पौधों में बहुत ही दमदार काम करेगा। आप अपने घर के ही सामान से इसे बना सकते हैं और अपने पौधों में जान ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो आज ये बताएंगे कि आपको हमेशा फर्टिलाइजर के बारे में बताते हैं कि आप फर्टिलाइजर पौधों में देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और उसका रिजल्ट भी आप लोग को अच्छा दिखता था, पर अभी बरसात के सीजन में आप फर्टिलाइजर नहीं दे सकते तो देंगे क्या। तो वही चीज़ आपको, उसी चीज़ का अभी हम फर्टिलाइज़र आपको बता रहे हैं, ड्राई फर्टिलाइज़र। जो ड्राई फर्टिलाइज़र है ये किस चीज़ का है तो इसे आप गौर करें और इसे समझें। ये है हमारा आलू और प्याज का, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा है आलू और प्याज का छिलका। तो इसे हम क्या किए हैं, इस आलू और प्याज का छिलका को इसे धूप में सुखा दिए हैं, अच्छे से एकदम अच्छे से सुखाए हैं ताकि आपको जब हाथ से दबाएं तो ये आराम से मुड़ जाए यानी दब जाए। तो इसे हम अच्छे से 2-3 दिन सुखाने के बाद और इसे क्या किए हैं, मिक्सी जार पर पीस दिए हैं। पीसने के बाद अब इसे क्या करना है, ये हमारा ड्राई जो फर्टिलाइज़र है इसे करना है हमारे पौधों में छिड़काव, इस तरह का हमारे मिट्टी में इस तरह का आपको डालना है, मात्र 1 चम्मच। तो इस तरह हम 1 चम्मच डाले हैं तो इसका रिस्पॉन्स आप 1-2 दिन के बाद में आप हमें खुद बताइएगा कमेंट करके। ये दूसरा है हमारा सड़ी हुई गोबर का खाद, तो ये हमें उतना ही मात्रा में लेना है क्योंकि अभी बरसात का सीजन है और हमें ड्राई फर्टिलाइज़र डालना है, क्योंकि लिक्विड वाला फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं डालना है, फंगस लगने का डर रह सकता है। तो अब इसे भी हमें उतना ही मात्रा में डालना है, तो इस तरह का इसमें मिला लें। तो ये जो हम ड्राई फर्टिलाइज़र आपको बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, जो मिट्टी में पानी हमेशा नमी बरकरार रहता है, तो इसे हम यदि फर्टिलाइज़र गीला वाला डालेंगे तो हमारा पौधा का जड़ जो है रूट ख़राब हो सकता है, यानी पौधा का जड़ हमारा ख़राब हो सकता है, गलने लग सकता है और हमारा कहीं ना कहीं पौधों भी नुकसान करेगा, या तो आपका ब्रांचेस गिर सकता है, फूल नहीं आता है, पत्ता नहीं आता, अनेक तरह का बरसात के सीजन में रोग लगता है। ये हम मानते हैं कि बरसात का पानी जो है हमारे पौधों के लिए बहुत ही वरदान से कम नहीं है, पर कोई भी चीज़ अति होने से वो चीज़ आपको नुकसान करता है, तो पानी भी अति होने से हमारे पौधों को नष्ट करता है। तो इस नष्ट करने वाले हमारे पौधों को हम कैसे बचाएं, तो इस तरह हम ड्राई फर्टिलाइज़र दे के बचा सकते हैं। तो ये है हमारा सरसों और बादाम, इसका हम लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको बताकर दिखाए थे, तो बनाकर दिखाए थे और इसका वीडियो भी बनाए, तो इसे हम ड्राई रखे हुए हैं फर्टिलाइज़र। तो आपको ये कब देना है, जब आपके पास सरसों खली उपलब्ध नहीं हो रहा है तब की बात बता रहे हैं। तो ये सरसों खली हमारा इस तरह का होता है, ये सरसों खली हमारा इस तरह का होता है। यदि सरसों खली आपको उपलब्ध नहीं हो रहा है तब इसका आपको लेना है इस तरह का, घर से बना के सरसों खली आपका काला लेना है, यानी 25 ग्राम सरसों ले लें और 25 ग्राम बादाम ले लें, बराबर मात्रा में इसे पीस लें और इसका फर्टिलाइज़र बिल्कुल अभी बरसात में ना दें, इस तरह आप ड्राई दें। तो इसी भी उतना ही मात्रा में इस पौधों में छिटना है ताकि जो लिक्विड फर्टिलाइज़र से ये ज़्यादा दमदार करेगा, ये धीरे धीरे ड्रॉप के माफिक आपका पौधों में असर करेगा, ये धीरे धीरे फूलेगा और जितना पानी पड़ेगा उतना असर करेगा। अब जब ये सरसों खली है, जब हम वो दे दिए हैं तो इसे हमें नहीं देना है। अब आ गया आपका DAP खाद, ये जो DAP खाद है जितना भी आपको बताएं, 2-3 चीज़ बताएं वो घर का बताएं और 2 चीज़ हम आपको बताएं वो बाहर का बताएं। जो सरसों खली बताएं, यदि आप बादाम का और सरसों का बनाते हैं तो वो भी घर का ही काम आ जाएगा। तो केवल हम 2 चीज़ आप, 1 चीज़ आपको बाहर का बता रहे हैं जो है DAP खाद। तो DAP खाद हमारा पौधों के लिए क्या करता है, तो इस तरह का हमारा पत्तों में चमक लाता है, यदि हमारा फूल होता है तो उसका साइज अधिक गुना बड़ा होता है और इसका इसमें चमक होता है, जैसे कहते हैं कि चेहरे में ग्लो आता है उस तरह हमारा पत्ते में या फूल में ग्लो आता है। तो इसे हमें कितना डालना है DAP खाद, तो DAP खाद आपको ज़्यादा नहीं डालना है,
क्योंकि हम यदि कहते हैं ना कि जो कुछ भी यदि अति करते हैं तो हमारा नुकसान होता है, तो हमें गिन कर डालना है 5 से 10 दाना। तो हम इतना खाद डाले हैं तो केवल हम 5 ही दाना डालेंगे, और इसे कितना कितना दिन पर डालना है तो आपको डालना है 15-15 दिन में, क्योंकि हमारा बरसात में पानी पड़ेगा तो जल्दी है जो इसका न्यूट्रिशन निकल जाएगा। तो 15 दिन के बाद फिर इस तरह आप रिजल्ट को दोहरा सकते हैं। और इसे पत्ते को धोने के लिए, पत्ते में कोई रोग लग जाता है, कोई बीमारी होता है, तो इसे धोने के लिए आप क्या करें, फिटकरी 1 चम्मच लेके 1 लीटर पानी में सारे पत्ते में, सारे पौधों में आप छिड़काव करें। तो इस तरह का आपका पौधा लगेगा कि अभी अभी इसका देख सकते हैं हमारे पत्ते में कितना चमक है। तो उसी तरह आपके घर में भी यदि फूल पौधा होगा तो उसमें चमक होगा और फूल भी अधिक आपका उम्मीद से ज़्यादा बड़ा होगा। और ये फूल है प्रतिरोज, जैसे कि यहाँ से खिला तो यहाँ से नए ब्रांचेस आ जाएगा, तो इस तरह के आपके पौधों में फूल भरमार रहेगा। तो इस तरह का हमारा जानकारी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमें वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।